hello students today we will discuss the first chapter of civics class 10th this is the power sharing in this chapter we will discuss why the power sharing is necessary and how it is possible so let's be start chapter students before going uh, to this to explain this chapter वी विल डिस्कस अबाउट द ओवर व्यू विच इज़ द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर विद दिस चैप्टर बी रिज्यूम दैट द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट बी स्टार्ट लास्ट ईयर बी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन डेमोक्रेसी ऑल पावर्स डज नॉट रेस्ट विद एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्मेंट स्टूडेंट्स इसमें यह बता रहे हैं कि पिछले क्लासों में हमने देखा कि डेमोक्रेसी क्या होती है उसकी मीनिंग्स क्या होते हैं और किस तरीके की कंट्री में डेमोक्रेसी पाई जाती है मीनस जहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता हो इक्वलिटी हो वोटिंग देने के अधिकार हो वहाँ पर हम डेमोक्रेसी देख सकते हैं ये बता रहे हैं कि हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी में ऑल पावर्स डज नाट रेस्ट इन एनी वन ऑर्गन्स डेमोक्रेसी में किसी भी ऑर्गन्स गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स होते हैं एग्जीक्यूटिव ना सबसे पहले होता है आपका लेजिसलेचर फिर एग्जीक्यूटिव होता है एंड जुडिशरी होता है तो जुडिशरी का अपना अलग पावर है एग्जीक्यूटिव के पास अपना अलग पावर है और जुडिशरी के पास अपना अलग पावर है तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दीज थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट तो यहाँ पर यह बताया गया स्टूडेंट्स कि गव डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो किसी एक हाथ में ना होकर के अलग अलग होती है अब ऐसा क्यों अगर वो पावर किसी एक ही हाथ में होगी तो स्टूडेंट्स वो जो ऑर्गन्स होगा वो अपने आप को सुपेरियर मान बैठेगा और अगर वही पावर डिवाइड कर दी जाएगी अन्य ऑर्गन्स के बीच में इंस्टीट्यूशंस के बीच में तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बन जाएगा और जिससे कन्फ्लिक्ट होने के चांस कम होंगे एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर एवंग लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन आ डेमोक्रेसी तीनों पार्ट में लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में पावर शेयर करना डेमोक्रेसी का बेस होता है इन दिस एंड द नेक्स्ट टू चैप्टर्स बी कैरी दिस आइडिया ऑफ़ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड आगे के दो चैप्टर में हम आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग को लेकर के चलेंगे बी स्टार्ट विद टू स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका हम इस चैप्टर में मीन्स पावर शेयरिंग चैप्टर में हम स्टोरी देखेंगे बेल्जियम की और श्रीलंका की बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग हमें देखेंगे कैसे पावर शेयरिंग की जो डिमांड थी कैसे मांगी कैसे डिमांड उसकी बढ़ती है क्यों नीड पड़ती है पावर शेयरिंग की द स्टोरीज ईल्ड सम जर्नल कंक्लूजन्स अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी ये बताएगी स्टोरी कि क्या नीड होती है पावर शेयरिंग की डेमोक्रेसी में अगर पावर शेयरिंग नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हमको होती हैं और अगर करते हैं तो हमें किन किन प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल भी टेकन अप इन फॉलोइंग टू चैप्टर्स आइए हम देखते हैं आगे के दो चैप्टर में किस तरीके की पावर शेयरिंग होती है और इसकी नीड क्या होती है स्टूडेंट्स किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसका ओवरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जैसे अगर हम कोई बुक उठाते हैं पढ़ने के लिए तो उसका जो टाइटल होता है वही हमसे बहुत कुछ बता देता है कि इस बुक में क्या है वैसे ही ये जो ओवर आपने देखा अभी इसने ही पूरे चैप्टर को डिस्क्राइब कर दिया कि अभी आपको इस चैप्टर में क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक स्टोरी आपको बेल्जियम की मिलेगी दूसरी श्रीलंका की मिलेगी और फिर पावर शेयरिंग की नीड क्यों पड़ती है लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर लेट्स स्टूडेंट्स वी स्टार्ट अबाउट द पावर शेयरिंग हियर द स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका हियर आई हैव अ सिंगल इक्वेस इन माइंड पावर शेयरिंग equal टू डिवाइडिंग पावर बात एकदम सही है पावर शेयरिंग का मतलब हुआ कि अपने पावर को डिवाइड कर देना और आगे कह रहे हैं इक्वल टू बेकनिंग द कंट्री और ये कह रहे हैं कि इसका मतलब देश का कमज़ोर हो जाना वाई डू बी स्टार्ट बाई टाकिंग दिस अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने इस शब्द से ही क्यों स्टार्ट किया ऐसा क्यों देखिए जब हम पावर शेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी जो पावर होती है वो दूसरे के हाथों में जाती है और कहीं ना कहीं अगर हम कॉम्बिनेशन करके नहीं चलते हैं तो जो हमने पावर शेयर किया है उसको हमको बैड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है अगर हमने पावर शेयर किया है जिस भी ऑर्गन और, से अगर वो दोनों ऑर्गन्स मिल के काम करते हैं तब तो बहुत अच्छा सा वर्क चलता है देश का अगर दोनों ऑर्गन्स मिल के या जिनके बीच में हमने पावर शेयर किया है दोनों लोगों का अलग व्यूज है तो हम अच्छे से पावर शेयर या डेमोक्रेसी को नहीं लॉन्च कर सकते हैं देश में लेट्स स्टूडेंट्स बी स्टार्ट बेल्जियम एंड श्रीलंका बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री इन यूरोप स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में जिसका कि एरिया हरियाणा से भी छोटा है आप जानते हैं हरियाणा आपके देश का एक स्टेट है इट हैज बॉर्डर विद द फ्रांस द नीदरलैंड जर्मनी एंड द लगजमबर्ग और ये जो बेल्जियम है ये अपनी जो बाउंड्री शेयर करता है वो फ्रांस से शेयर करता है जर्मनी शेयर करता है नीदरलैंड से शेयर करता है और लगजमबर्ग शेयर करता है बेल्जियम इट हैज़ अ पापुलेशन ऑफ लिटिल ओबर वन करोड़ यहाँ की पापुलेसन लगभग लगभग एक करोड़ तक है अबाउट हाफ द पापुलेशन ऑफ हरियाणा हरियाणा की जितनी पापुलेशन है मीन्स हरियाणा की अगर दो करोड़ है तो वहाँ की पापुलेसन कितनी है एक करोड़ है द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एक शब्द है इथनिक इथनिक मतलब होता है जातीय समूह मीन्स कई जातियों का समूह जैसे आप देखते होंगे कि आपके ही देश में कई सारी जातियाँ हैं जातियों मतलब ये नहीं कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यु जैसे कि आपके हिंदू मुस्लिम्स बौद्ध सिख जैन इनको हम मानते हैं तो यहाँ पर क्या था कि बेल्जियम में बहुत सारी जातियाँ थी और जो कंपोजिशन था बेरी ही कॉम्प्लेक्स था बहुत ही ज़्यादा जटिल था ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59 नाइन परसेंट लिव्स इन फ्लेमिस रीजन अब जो कंट्री थी सपोज करो ये हमने बेल्जियम बनाया बेल्जियम की जो फिफ्टी नाइन परसेंट थी वो फ्लेमिस रीजन में रहती थी सपोज करो ये आपकी हमने फ्लेमिस रीजन बना दिया इसने कब फिफ्टी नाइन परसेंट यहाँ पर कवर किया एंड स्पीक डच और ये लोग क्या बोलते थे बेटा डच बोलते थे ऐसे भी आप अपनी कापी बना सकते हैं एक समझने के लिए इसमें कोई ज़रूरी नहीं बेटा कि आप मैफ ही देखिए एंड स्पीक डच लैंग्वेज अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्लेमिस रीजन के लोग थे वो क्या बोलते थे फ्लेमिस रीजन्स पीपल्स स्पीक डच एन आदर फोर्टी परसेंट पीपल्स लिव इन वलोनिया रीजन्स अब इसको आप हाईलाइट कर लीजिए अपनी कापी में स्टूडेंट्स जितने भी पॉइंट हम यहाँ पर सर्कल करते चल रहे हैं इनको आप ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा अपने बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड इस्पीक फ्रेंच अब आप इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा मीनस अगर हम देखें तो इतना रीजन आप छोड़ दीजिए एक परसेंट के लिए और यहाँ पे जो फोर्टी परसेंट बच रहा है ये आपका वलोनिया रीजन हो गया और यहाँ के लोग क्या बोलते थे फ्रेंच बोलते थे अभी नीचे मैप में है उसमें आप समझ लीजिएगा रिमेनिंग वन परसेंट ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन और जो हमने कहा कि ये एक परसेंट जो लोग हैं ये बेटा क्या बोलते थे ये बोलते थे जर्मन्स चलिए एक बार फिर से देखते हैं मीन्स फिफ्टी नाइन परसेंट ऐसे आप बनाइए फिफ्टी नाइन परसेंट फ्लेमिस रीजन एंड डच स्पीकिंग डच फिर आप बनाइए फोर्टी परसेंट कवर कीजिए आप बलोनिया रीजन्स बलोनिया रीजन्स स्पीक फ्रेंच वन परसेंट डैच कीजिए आप डैश करने के बाद आप देखिए बेल्जियंस एंड स्पीक जर्मन्स अब देखिए अगर आप तो कई सारे कॉम्प्लेक्स हैं एक फिफ्टी नाइन परसेंट का एक फोर्टी परसेंट का और एक वन परसेंट का है जिसमें कि आपके कुछ बोलने वाले यहाँ पे कुछ लोग हो गए जो डच बोल रहे हैं कुछ बोल रहे हैं फ्रेंच बोल रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं जर्मन बोल रहे हैं अब जाहिर सी बात है हर लोग अपनी लैंग्वेज को सुपीरियर शो करना चाहेंगे है ना जो ज़्यादा हो जाएगा वही अपनी पावर समझेगा अब यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है इन दिस कैपिटल सिटी ब्रस एट्टी परसेंट पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल ट्वेंटी परसेंट डच स्पीकिंग अब सपोज करो फिर मैंने मान लीजिए बेल्जियम का कनेक्शन बनाया बेल्जियम के मैप में हमने क्या किया कि दिखाया जाए फिफ्टी एट्टी परसेंट पीपल स्पीक फ्रेंच अब कैपिटल सिटी बात बातें हैं कैपिटल आप सब सपोज कीजिए कि हमने एकदम सेंटर बनाया कैपिटल सिटी बेल्जियम की क्या हो गई ब्रसेल्स ये आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये आपका बेल्जियम का एक सिंपल सा मैप समझने के लिए बेटा और ये उसकी कैपिटल का मैप हमने बनाया है तो बेल्जियम की कैपिटल हमने क्या बताया आपको बेटा ब्रसेल्स आप इसको ध्यान रखिएगा यहाँ दे रहे हैं कि 80 परसेंट पीपल स्पीक फ्रेंच तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है एट्टी परसेंट लोगों की है वो बोलते हैं फ्रेंच अब अगर आप देखिए बेटा तो वही जो एट्टी परसेंट वहाँ पर थे यहाँ पर कितने हैं बेटा वो फोर्टी परसेंट थे एंड ट्वेंटी परसेंट स्पीक डच और यहाँ पर जो ट्वेंटी परसेंट बचते हैं वो क्या बोल रहे हैं डच लैंग्वेज बोलते हैं जबकि इसके जस्ट अपोजिट था बाहर कि जो ट्वेंटी परसेंट है ये बाहर फिफ्टी नाइन परसेंट थे 59 परसेंट थे बेटा और ये जो 80 परसेंट हैं ये बाहर 40 परसेंट थे देखिए यही से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया मीनस 59 परसेंट जो थे बेटा ये ब्रुसेल्स मेन सिटी में 20 परसेंट हो गए और ये जो 40 परसेंट थे ये मेन सिटी ब्रुसेल्स में 80 परसेंट हो गए इसका मतलब ये नहीं कम नहीं हो गए सपोज़ करो कि मान लीजिए ब्रुसेल्स सिटी में 100 लोग रहते हैं उन सौ लोगों में अस्सी लोग क्या हैं ये आपके फ्रेंच बोलने वाले हो गए और उन्हीं सौ लोगों में से बीस लोग कौन से हो गए बेटा जो बोलते हैं क्या डच और जबकि पूरी कंट्री की अगर बात देखी जाए पूरी कंट्री में तब उनमें सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है बेटा डच की है किसकी है डच की है द मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल अब यहाँ पर मेन बात और है कि जो फ्रेंच बोलते थे उनकी कम्युनिटी क्या थी वो रिच थी और पावरफुल थी आप जानते हो आपके समाज में अगर कम ही लोग हैं दस बीस ही लोग हैं लेकिन अगर उनके पास पैसा है और पावरफुल हैं तो उनके सामने जो दस परसेंट अगर ये हैं उनके सामने अगर नाइन्टी परसेंट लोग गरीब हैं तो कुछ भी नहीं है। तो वही सेम कंडीशन क्या थी कि फ्रेंच लोग जो थे वो संख्या में तो कम थे बट क्या थे वो रिच और पावरफुल थे दिस वॉज रिसेंटेड बाय द स्पीकिंग कम्युनिटी हु गार्ड द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग अब इसी बात को लेकर के डच स्पीकिंग जो पीपल थे नाराज रहते थे हु गार्ड द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेन्स यहाँ कहने मतलब ये हुआ कि डच स्पीकिंग पीपल्स को जो कि बेनिफिट लेना चाहते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एंड एजुकेशन मच लेटर उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन हमेशा बाद में मिलता था क्यों मिलता था क्योंकि डच से ज़्यादा पावरफुल लोग कौन से थे बेटा फ्रेंच थे तो फ्रेंच लोग सारी फैसिलिटी को अपने पास ही रखवा लेते थे, थे या गवर्नमेंट पर उनका फ़ोर्स रहता था और वो सब कुछ अपने लिए ही रख लेते थे दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग हाईलाइट कर लीजिए इसको आप एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी यही मेन टेंशन थी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग में क्या टेंशन थी कि पार, फ्रेंच पावरफुल थे डच पावरफुल नहीं थे सो सारे जितनी फैसिलिटी थी चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे एजुकेशन फैसिलिटी हो चाहे जॉब की फैसिलिटी हो सब में प्रायोरिटी किसको मिलती थी बेटा फ्रेंच स्पीकिंग को ड्यूरिंग दाइनटी फिफ्टीज एंड नाइन्टी सिक्सटीज उन्नीस सौ पचास और उन्नीस के दशक में द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रसल्स अब ये जो टेंशन थी ये ब्रसल्स में और कहीं ज़्यादा थी ब्रसल्स मतलब बेल्जियम के कैपिटल ब्रिसल्स प्रजेंटेड स्पेशल प्रॉब्लम ब्रसल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी एक स्पेशल तरीके की क्या थी देखिए द डच इस्पींग पीपल्स कॉन्स्टिट्यूट अ मेजोरिटी इन कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन कैपिटल दिक्कत ये थी कि जो डच स्पीकिंग थे ये मेजोरिटी थे पूरी कंट्री में क्यों मेजोरिटी थी क्योंकि पूरे कंट्री में फिफ्टी नाइन परसेंट थे लेकिन जो मेन सिटी है वहाँ पर इनकी संख्या कितनी थी बेटा ट्वेंटी परसेंट थी है ना अभी हमने आपको पहले बताया था इसके पहले लेटस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनादर कंट्री अभी इतनी बात कहकर के उन्होंने यहाँ पर बातों को रोक दिया है अभी चल रहे हैं दूसरी बात पर मीनस श्रीलंका की बात करने इज एन आई लैंड नेशन आप जानते होंगे ये आपके इंडिया का मान लीजिए हमने मैप एक ड्रा किया तो यहाँ पर आप देखते होंगे छोटा सा कंट्री है जिसको हम श्रीलंका बोलते हैं जो कि चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है इसलिए इसको हम आइलैंड्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग अबाउट द डिस्कशन श्रीलंका वी लोकेट द मैप ऑफ बेल्जियम ये बेल्जियम का मैप दिखाया गया बेटा ब्रसल्स कैपिटल रीजन्स, ये जो ब्राउन कलर का है ब्रसल्स कैपिटल रीजन है वलोनिया फ्रेंच स्पीकिंग ये इतना वलोनिया फ्रेंच स्पीकिंग का है फ्लेमिश डच स्पीकिंग फ्लेमिश डच स्पीकिंग लोग हैं एंड जर्मन स्पीकिंग और ये इतना जो आप देख रहे हैं जर्मन स्पीकिंग का है स्टूडेंट्स आप ऐसा कीजिएगा कि आप अपनी बुक में यहाँ पर जो फिगर दिया गया है राउंड अप करके इसको आप जरूर कर लीजिएगा ओके स्टूडेंट मीन्स यहाँ पर जो हमने कुछ परसेंटेज दिखाए थे आपको फिफ्टी नाइन परसेंट फोर्टी परसेंट एंड वन परसेंट वो सब आप लिख लीजिएगा इस पर तो समझने में आपको आसानी होगी या फिर जैसे एक हमने बताया था मैप ड्रा करके आप समझने के लिए आप उस तरह कर सकते हो क्योंकि बिना वहाँ के इतने कंपोजिशन को समझे हुए आप इनकी स्टोरी को नहीं समझ सकते हैं आप देखिए मैप लोकेट द मैप्स ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका इन विच रीजन्स do you find concentration of different communities कह रहे हैं कि आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या मेन दिक्कत थी प्रॉब्लम थी ओके स्टूडेंट्स लेट्स बी टॉक अबाउट द श्रीलंका इज एन है आईलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु अभी हमने आपको मैप बना के दिखाया था इट हैज़ अबाउट टू करोड़ पीपल्स हाईलाइट कर लीजिए इसको आप अबाउट द सेम इन द हरियाणा अभी तक उन्होंने क्या कहा है कि बेल्जियम में हरियाणा का हाफ़ अब यहाँ कह रहे हैं हरियाणा के लगभग बराबर हैं इसका मतलब तो हरियाणा की जो पॉपुलेशन थी जिस समय के एन ने अपनी बुक अपडेट किया तो वहाँ पे दो करोड़ थी अब उसी की हाफ़ किसकी हो गई बेल्जियम की और उसी के बराबर किसका हो गया बेटा कंपोजिशन श्रीलंका का हो गया लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन श्रीलंका है आ डाइवर्स पॉपुलेशन जैसे कि साउथ एशिया रीजन की अगर देखी जाए बात साउथ एशिया मतलब हुआ ये आप जैसे समझ लीजिए कि हमने एशिया का ड्रा किया तो ये हुआ आपका साउथ रीजन तो कह रहे हैं जिससे कि साउथ में मीन्स आपका इंडिया भी आ गया श्रीलंका आ गया मालदीव आ गया म्यांमार आ गए मालदीव आ गया है ना तो कई सारे कंट्रीज आ गए तो उनमें ये बता रहे हैं है? कि श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन थी द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द दिनेला स्पीकर्स बेटा इसको आप जरूर समझ लीजिए ये 2020 के एम में आया है बोर्ड में है ना कि हु आज द मेजोरिटी कम्युनिटी इन आ श्रीलंका चार ऑप्शन दिए थे उसमें तमिल क्रिश्चियंस मुस्लिम्स एंड सिन्हाला तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सिनहला और ये बेटा ये कई बार पूछा जा चुका है तो इस पर आप ध्यान रखिए सिनहेला इस्पीकर सेवेंटी फोर परसेंट एंड द तमिल स्पीकर एटीन परसेंट एमंग तमिल्स दे आर आर टू सब ग्रुप्स अब वहाँ पर आप अपना मैप ड्रा कीजिए कि सपोज कीजिए हमने बनाया श्रीलंका का एक मैप अब इसमें उन्होंने क्या किया आप इस तरह बनाइए समझ में आएगा आपको यहाँ पर आप दे दीजिए सेवेंटी फोर परसेंट किसको देंगे हम सिन्हाला को आप अपनी रफ में या कापी मना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एटीन परसेंट इन्होंने किसको दिया है बेटा तमिल को अब आप एटीन परसेंट पर अभी आप रख लीजिए तो छोड़ दीजिए नीचे का और यहाँ पे दो ग्रुप इन्होंने बताए हैं तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर श्रीलंकन तमिल्स थर्टीन परसेंट थे उसमें से सत्रह परसेंट में थर्टीन थर्टीन परसेंट ये थे द रेस्ट मीन्स फोर परसेंट जो बच रहे हैं हुज फॉर फादर्स कम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड और जो चार परसेंट बच रहे हैं जिनके कि माता पिता तमिलनाडु से श्रीलंका ले गए जाए गए थे अंग्रेज़ों के समय में उनकी बातें कर रहे हैं मतलब श्रीलंका में भी तमिल्स हैं तो सेवन थर्टीन परसेंट तो वहाँ खुद के हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं और जब अंग्रेज़ यहाँ पर अपने देश पे शासन करते थे तो वो यहाँ के लोगों को भर कर के नाव में प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए ले जा कर के छोड़ देते थे और उनको वहीं पर खेती कराते थे तो वो लोग वहीं रहने लगे अपनी घर बना लिए और वहीं के नेटिव बन गए धीरे धीरे द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड्स आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स तो उन चार परसेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा इंडियन तमिल्स बोलेंगे एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप श्रीलंकन तमिल्स आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री स्टूडेंट्स उन्होंने कहा कि अगर आप देखिए तो जो श्रीलंकन् तमिल्स हैं ये आपको ईस्ट में या फिर नॉर्थ में लेंगे तो ये इनका नॉर्थ रीजन हो गया मैप में आपने देखा ही होगा ऊपर नॉर्थ होता है बेटा इधर ईस्ट इधर साउथ इधर वेस्ट तो इन्होंने बताया कि ईस्ट में और नॉर्थ में कौन लोग से लोग हैं बेटा श्रीलंकन तमिल्स हैं श्रीलंकन् तमिल्स आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री मोस्ट ऑफ द सिन्हालास स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिन्लाज या क्वेश्चन इस तरह बनता है कि विच लैंग्वेज स्पोक बाय सिन्हाला या हुआ सिन्हाला सिन्हाला वाजा बुद्धिस्ट तो जो सिन्हाला लोग थे जो स्नहला लैंग्वेज बोलते थे वो कौन थे बेटा बौद्ध धर्म को मानने वाले थे बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले थे वाइल्ड मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और जबकि बहुत सारे जो तमिल थे वो क्या थे हिंदूज थे आर मुस्लिम और कुछ उसमें से मुस्लिम थे क्योंकि वो तमिल से तमिलनाडु से गए थे वहाँ के रहने वाले भी थे देयर आर अबाउट सेवन परसेंट क्रिश्चन्स अब वहाँ पर कितने परसेंट हैं बेटा सेवन परसेंट क्या थे क्रिश्चियन थे हु आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हाला जो कि दोनों थे मीन्स तमिल लैंग्वेज भी बोलते थे और सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलते थे जस्ट इमेजिन वाट कुड हैपन इन सिचुएसन लाइक दिस अब कह रहे हैं समझिए आप क्या हो सकता है सिचुएशन सिचुएसन में जाहिर सी बात है बहुत कॉम्प्लेक्स है क्यों कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बुद्धिस्ट भी हैं हिंदूज भी हैं मुस्लिम भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं और सब अपने धर्म को सुपीरियर बताएंगे डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से अब यहाँ पर ये यह होगा कि जिसकी पापुलेशन मोर होगी वो अपने आप को मेजोरिटी में समझेगा और वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगा तो डेमोक्रेसी की थोड़ी सी कमी यहाँ पर यह गिनाई जाती है कि डेमोक्रेसी में जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वही गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है और वही माइनॉरिटी पर शासन करने लगता है तो यहाँ से थोड़ा सा डेमोक्रेसी की आप डिमेरिट भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि मेरिट तो हम बहुत जानते हैं लेकिन बट डिमेरिट हम कम जानते हैं जस्ट इमेजिन वाट कुड हैपन ए सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम बेल्जियम में इन बेल्जियम डच कम्यूनिटीज कुल टेक एडवांटेज ऑफ इट्स नमेरिक मेजोरिटी हमने बताया ना कि बेल्जियम में जो डच थे वो बेटा पूरे देश में फिफ्टी नाइन परसेंट थे और वो अपनी कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा होने कारण से वो उसका एडवांटेज लेते थे लाभ लेते थे क्योंकि वही गवर्नमेंट फॉर्म कराते थे भाई डेमोक्रेसी में जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा उसी की सरकार बनेगी एंड फोर्थ इट बिल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग्स पॉपुलेशन और वो क्या करते थे फोर्स करते थे ऑन द फ्रेंच पर एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पर मतलब वो अपना शासन चलाना चाहते थे किस पर जर्मन पर और वहाँ पर फ्रेंच स्पीकर पर दिस उड पुस द कॉन्फ्लिक्ट एमंग कम्युनिटीज़ फ़र्दर और इसने क्या किया कि जो कम्युनिटीज़ थी मीन्स फ्रेंच कम्युनिटी जर्मन कम्युनिटी और डच कम्युनिटी डच की अपनी सुपेरियरिटी ने क्या किया कि फ्रेंच और जर्मन ये तीनों लोग या दोनों लोग मिलकर के डच से भिड़ गए अर्थात क्या हुआ कॉन्फ्लिक्ट हो गया विवाद झगड़ा पैदा हो गया दिस कुड लीड टू अ मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्टंग कम्युनिटीज फर्दर दिस कुड लीड टू मेसी पार्टीशन टू द कंट्री इस तरीके से क्या हुआ पूरे देश में विवाद स्टार्ट हो गया और एक बहुत ही बेकार या समस्या भरी पार्टीशन होने लगी कंट्री में बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स और जितनी भी साइड थी इस दोनों तरफ से डच की तरफ से और फ्रेंच की तरफ से चूँकि लोग थे ये लोग ब्रसल्स पर अपना अधिकार जमाने लगे इन श्रीलंका द सिन्ला कमिटीज इन्जॉय एंड एवन बिगर मेजोरिटी अब ये तो बात हो गई इन्होंने बताया कि ब्रेसल्स में क्या कंडीशन होने लगी कि ब्रसल्स जो राजधानी थी बेल्जियम की उस पर डच भी और फ्रेंच भी अपनी पावर को शो करने के लिए दबाव डालने लगे मीन्स डच जब गवर्नमेंट बनाते ऑल ओवर कंट्री काम करती जबकि फ्रेंच ब्रेसल्स में जो गवर्नमेंट काम करती वो फ्रेंच की काम करती चूँकि ये वहाँ पर ज़्यादा थे इस तरीके से फ्रेंच अपना जो जो मेन रीज़न बताते कि जो उनका मेन प्रभाव वो ब्रसल्स पर बताते और डच भी ब्रसल्ल्स पर अपना मेन प्रभाव बताने की कोशिश करते और इन्हीं को लेकर के पूरे देश में विवाद फैल गया मिस दंगा हो गया और जबकि यही कंडीशन श्रीलंका में कुछ अलग थी सिनहला कम्युनिटीज इन्जॉयज एन इवन बिगर मेजोरिटी अभी आपको बताया कि सिनहला कम्युनिटी जो, जो थी वो कितने परसेंट थी बेटा सेवेंटी फोर परसेंट थी और ये भी क्या थे ये पूरे देश में ज़्यादा थे ये कहीं एक जगह नहीं ज़्यादा थे ब्रसल्स में, में ब्रसल्स में क्या था कि यहाँ पर फ्रेंच ही ज़्यादा थे डच कम थे जबकि डच पूरे देश में ज़्यादा थे बट श्रीलंका में ये नहीं था श्रीलंका में तो सिनहला कम्युनिटी जो थी वो हर जगह ज़्यादा थी और ये अपने मेजोरिटी होने का एडवांटेज लेते थे एंड कुड इम्पोज इट्स बिल ऑन द इंटायर कंट्री और ये अपनी इच्छाओं को पूरे देश पर लागू करते थे नाउ लेट्स लुक एट वाट हैपन इन बोथ दीज कंट्रीज कह रहे हैं आइए देखते हैं कि फिर इन दोनों कंट्रीज़ में क्या हुआ यहाँ पर हमें ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि जो हम पावर शेयरिंग की अभी बात करेंगे कि हर जगह हर देश में कई सारे ग्रुप्स हैं और एक देश जो अपने ग्रुप्स के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता है वो देश जलने लगता है वहीं दूसरा देश जो अपने ग्रुप्स के लोगों को अर्थात पावर को शेयर करता है वो अपने आप को मैनेज कर ले जाता है आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन ओके okay, स्टूडेंट्स वीडियो आपका लंबा होता चला जा रहा है सो हम ये सोच रहे हैं कि अभी आप इतना समझिए आगे के नेक्स्ट वीडियोज में हम समझेंगे मेजिटेरियन इन श्रीलंका ओके स्टूडेंट्स समझिए अगर कोई कन्फ्यूजन होती है कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के मीडियम से हमसे उस क्वेश्चन का आंसर जान सकते हो ओके बाय स्टूडेंट्स